गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नयन आज का नई क्लास लेकर रेडी हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो बेसिक चल रहा है, और बेसिक में मैंने बताया था ओम्स लॉ, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के बारे में। आपका जो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इतने बच्चों को पसंद आ रहा है, वो ढेर सारा उन्होंने लाइक किया है, कमेंट किया है और वीडियोज़ को भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिला है, तो उससे बहुत खुश हूँ। तो इसीलिए मैं बेसिक क्लास ही लेकर आई हूँ आज भी। जो ये वाला जो क्लास में लेके आई हूँ, आपको टॉपिक का नाम दिख रहा होगा, कंडेंसर बोलते हैं या फिर कैपेसिटर बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, कंडेंसर या कैपेसिटर। तो मैं इसके बारे में आज आपको बताऊंगी। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होगा वो मेरा नेक्स्ट क्लास में होगा, क्योंकि मैंने पूरा स्टार्टिंग से बेसिक शुरुआत किया है न्यूमेरिकल के साथ, तो बच्चों को वो अच्छे से समझ में आ रहा है स्टार्टिंग से। पार्ट बाय पार्ट करके मैं अपलोड करूंगी सारा का सारा, आप वीडियो ज़रूर देखें मेरा। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम आप जैसे देख रहे हैं बोर्ड पर लिख रखा है यहाँ पे, कंडेंसर या फिर कैपेसिटर। तो सबसे पहले जानेंगे यहाँ पर, मैंने पहला जो ये वाला जो आप देखते हो आपके स्क्रीन पे, जो लाइट राइट साइड लेफ्ट साइड दिख रहा है वो क्या है, इसके बारे में मुझे आपको बताना होता है, क्योंकि एग्जाम में भी आपको जो है कट टू कट जो है क्वेश्चन मिलता है और उसका चार ऑप्शन के साथ आपको डील करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर जब देख रहे हो ना, तो यहाँ पर मैं इन सब चीज़ के बारे में आपको बताऊँगी स्क्रीन पर। और आपके जो स्क्रीन पर राइट साइड में दिख रहा है, ये कुछ वैल्यूज है जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, तो बने रहे मेरे साथ नए टेक्निकल अड्डा पे। हमारा जो क्लास है उसमें बता रही हूँ मैं इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो कैपेसिटर, आपसे अगर कोई पूछे तो कैपेसिटर क्या होता है, तो कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रिक, जैसा बोल सकते हैं, कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है, और दूसरी भाषा में बोले तो चार्ज को स्टोर करने के साथ साथ क्या करता है, प्योरिटी प्रदान करता है। प्योरिटी मतलब क्या, प्योर फॉर्म में। जब आप देखते हो ना, सिंपल सा एग्जांपल लेके समझो, अगर आपके जो पानी में पानी और अगर चीनी को घोला जाए, ठीक है, या पानी नमक को घोला जाए, तो क्या होगा, उसको अगर आप छन्नी से छानते भी हो ना तो वो अलग नहीं होता, बट वही आप नींबू का कुछ बूंद डालो तो उसमें अगर नींबू का जरा भी रेसा होगा तो छन्नी से डालने पे क्या होता है, वो और प्योर होकर निकलता। तो सेम यही काम करता है यहाँ पे ये करंट के लिए। कैपेसिटर या कंडेंसर क्यों लगाते हैं, तीन चार कारणों से लगाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बेसिक लेकर आई हूँ अभी क्लास, तो मैं आपको बताऊँगी सिंपल कि क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है और डिस्चार्ज करता है, मतलब बोल सकते हैं चार्ज को स्टोर करेगा और प्योरिटी प्रदान करेगा, काम होता है ये कंडेंसर का। आपको दो नाम से ये मिल सकता है मार्केट में, या फिर जानने को मिल सकता है, कोई जो एजुकेटेड पर्सन होंगे वो क्या बोलेंगे, कंडेंसर बोलेंगे, लेकिन ऐसे जो होगा कैपेसिटर, और जो जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया क्या है, इलेक्ट्रिक ऐसा जो है डिवाइस है जो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। सेकंड पढ़ते हैं, ये तो मेरा इंट्रोडक्शन व्हाट इज कैपेसिटर में ही आ गया, इंट्रोडक्शन में ही। सेकंड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कोई कंडक्टर को हम लोग क्या करते हैं ना, सप्लाई देते हैं। सपोज फिगर को आप देखो, जब कोई कंडक्टर मैंने क्या कहा, कंडक्टर किसे कहेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन मेरा इजिली फ्लो कर पाए, इजिली फ्लो कर पाए मतलब बिना रुकावट का, रेजिस्टेंस कम हो और आपका कंडक्टर में करंट फ्लो करे। अगर मैं इस वाले जो कंडक्टर में इस तरह का जो है सोलेनोइड टाइप का मैंने कंडक्टर दिया, इसमें क्या किया मैंने, एक सप्लाई लगा दी। सप्लाई मतलब आप समझ रहे हो कि वोल्टेज सोर्स, ठीक है, वोल्टेज यहाँ पे हो, आप जैसे ही इसमें वोल्टेज दोगे ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे करंट फ्लो करने लगेगा। रेजिस्टेंस वाला पार्ट में आप देख सकते हो मेरा वीडियो, जिसमें नहीं देखा है वो जाकर प्लीज वीडियो को देखे, ताकि आपका जो है आगे क्लियर होते जाए। अच्छे से जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज दिया मैंने और करंट यहाँ से फ्लो किया, तो फ्लो करने के बाद क्या होगा, इसके थ्रू करंट होते जाएगा, ये जो आपको दिख रहा है टर्न वाला दिख रहा है पोजिशन, तो जैसे ही पोजिशन टर्न वाला पोजिशन करंट जाएगा ना, तो यह क्या होगा, आस पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। आपका यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था वो भी क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, एक चार्ज महसूस करेगा, एक चार्ज महसूस करेगा और उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। आप सिंपल सा, आप ये भी आपको समझने में अगर दिक्कत हो तो छोटा सा और एग्जांपल लेके आते हो, दो चुंबक को लेके आओ। जैसे ही आप दो चुंबक मानते हैं, ये मेरे पास दो चुंबक है, ठीक है, इसको जब पास लेके आओगे ना, क्यों मैं चुंबक का बता रही हूँ उसमें से, वो भी आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं क्यों मैं बता रही हूँ, उससे रिलेटेड है ये। दो चुंबक को जब मैं पास लेके आऊँगी, तो कभी ऐसा होता है कि चुंबक, दोनों चुंबक जो सटने के बजाय जब क्या होता है, रिपल करने लगता है, मतलब हटने लगता है, कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि सटने लगता है, तो ये जो आप देख सकते हो, ये जब सटने लगता है और हटने लगता है, ये दोनों कंडीशन में यहाँ एक चार्ज काम करता है, मतलब क्या है, फ्लक्स काम करता है, जो आपको दिखता नहीं है, वो इनविजिबल होता है बट यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे हम वही बता सकते हैं, यहाँ पे जो ना महसूस हो सकता है, यहाँ पे अगर ये जो इसमें से करंट फ्लो करेगा तो आसपास का कोई क्षेत्र जो है वो क्या होगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज होने के बाद उसमें से क्या होगा, उसमें जो है, उसमें जो अट्रैक्शन का या रिपल्सन का गुण आ जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर है,
क्लियर हो रहा है अच्छे से। थर्ड आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब ये मैंने यहाँ पर देख लो तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है और उसके साथ स्टार मार्क देके रखा है रूल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है, तो इसका ये क्या है उसको जानने के लिए आप जानोगे, कोई भी जैसे ये फिगर को मैंने लिखा था, इसको रद्द करिए सेकंड वाला बताने के लिए। जैसे अगर यहाँ पे मैंने एक मैंने म्यूचुअल बताया था, एक जो है म्यूचुअल इंडक्शन बताया था, एक सेल्फ इंडक्शन बताया, अभी मैं बता रही हूँ आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रो से हो गया इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक से हो गया मेरा कांस्टेंट टाइम, इंडक्शन का मतलब वोल्टेज यहाँ जनरेट कर। तो आपको क्लियर हो पा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मतलब क्या है। तो इसमें से अगर ये जो मेरा कोई कॉइल है, कॉइल में से क्या होगा, यहाँ से अगर हम सप्लाई देते हैं, ठीक है, सप्लाई दिया मैंने, सप्लाई दिया, और यहाँ जो पास रखा हुआ मेरा जो कॉइल होगा, ये क्या होगा, इसके इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था वही सेम फिगर है, लेकिन साथ में मैंने एक और जो है एक और आपका जो है सोलेनोइड को ड्रॉ किया है। तो ये क्या होगा, इसके चार्ज के कारण क्या होगा, इसमें भी करंट फ्लो करने लगेगा, इस चार्ज की वजह से इसमें भी करंट फ्लो करने लगेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इतने बच्चों को इंडक्शन का मतलब नहीं पता होता, इंडक्शन का मतलब होता है वोल्टेज का बनना, क्या होता है वोल्टेज का बनना, और यहाँ पे भी यही आएगा वोल्टेज का बनना भी। और हमारे आपको बताया था पिछले क्लास में कि लोड जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, या रजिस्टिव हो सकते हैं, या कैपेसिटिव हो सकते हैं, या फिर इंडक्टिव हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है लोड पर किस तरह का लोड है। अब क्वेश्चन ये भी आएगा कि क्या जो है आप ये भी अराइज कर सकते हैं कि आपका जो कैपेसिटिव लोड होता है वो कैसा होगा, इंडक्टिव लोड कैसा होगा, रजिस्टिव लोड कैसा होगा। तो जितना भी आप देख लो, टेबल हो गया, फैन हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ये सब रजिस्टिव लोड में आते हैं। सेकंड हमारा इंडक्टिव लोड में आया, जहाँ भी आपको कहीं भी कॉइल का संरचना मिलेगा ना, मतलब कोई भी कॉइल का संरचना मिलेगा, जैसे आपको हीटर के कॉइल में मिल सकता है, रूम हीटर वाले ये में मिल सकता है आपको, उसके बाद जब आप देखते हो बल्ब में, वहाँ क्या होता है बल्ब में आप जब देखोगे उसका जो अंदर का कॉइल होता है वो इस तरह का स्ट्रक्चर का होता है। तो क्या हो गया, ये इंडक्टिव लोड हो गया। लास्ट मेरा कैपेसिटिव लोड है, तो कैपेसिटिव लोड मेरा जो होता है कैपेसिटर जिसमें लगा होता है ज़्यादातर, जिसमें पावर फैक्टर लीड करेगा वो मेरा कैपेसिटिव लोड हो जाता है। तो सिंपल आता है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में, क्या मैंने बताया कि अगर किसी जो है कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है और उसके बगल में एक और कंडक्टर को ला कर रख दिया जाए, तो वो भी क्या करता है, चार्ज को महसूस करने लगता है। इस तरह फिगर के मुताबिक जब मैंने सप्लाई यहाँ दिया, ये तो मेरा चार्ज हुआ, ये वाला जो आपको पोजिशन दिख रहा है ये तो चार्ज हुआ ही, साथ में बगल वाला जो रखा हुआ था कॉइल मैंने वो भी चार्ज हो गया। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आपका क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के दो नियम हैं। पहला नियम होगा आपका, पहला ये रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहला नियम क्या होगा, पहला नियम है जब भी कोई जो है कोई सेम पोल, जब भी कोई दो सेम पोल को पास लेकर जाया जाए तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। सिंपल एग्जांपल, अगर मेरे पास ये चुंबक है, नहीं पता है कि कौन सा ये वाला कौन सा जो है आपका पोल दिखा रही है, एन, आपको भी पता है कि चुंबक में दो पोल होते हैं, एन पोल होते हैं, एस पोल होते हैं, ठीक है। अब इस चुंबक को मैं जो क्या कर रही हूँ, ये वाला मान लीजिए सपोज करते हैं ये लोहा है मेरा, ठीक है, ये वाला पूरा लोहा है, मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ऐसे मारूंगी, मारने के बाद क्या होगा, तो मेरे पास जो चुंबक था उसमें हमको नहीं पता था कि एन पोल है कि एस पोल है, ठीक है, लेकिन अगर अट्रैक्ट करता है तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए, अट्रैक्ट कर लिया मतलब क्या होगा, ये एन पोल बनाया होगा, तो ऑब्वियसली ये क्या पोल बनाया होगा, एस पोल बनाया होगा, तभी एक दूसरे से सट गया। और अगर सटने के बजाय क्या होता है, हट जाता है वहां से, इसका मतलब क्या है, दोनों ने सेम पोल अराइज कर लिया, मतलब ये वाला अगर एन पोल बनाया होगा तो ये वाला भी एन पोल बनाया होगा, उस टाइम क्या होगा, दोनों एन पोल हो गए तो रिपल कर जाएगा वो पार्ट मेरा। क्लियर समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा है, एक से दो बार वीडियो देखिए एकदम डेफिनेटली समझ में आने वाला है। आते हैं रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इसमें रूल्स क्या है, पहला नियम तो मैंने बता दिया, कोई भी अगर दो सेम पोल होते हैं तो वो क्या करते हैं, दो सेम पोल होंगे तो रिपल करेंगे, मतलब हटेंगे एक दूसरे से हटाएंगे, और जो सेम पोल अगर अदर पोल होंगे तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब पहला लॉ मेरा यही कंप्लीट हो गया रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का। दूसरा नियम कहता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, मतलब क्या है, ये F जो है फोर्स है मेरा, Q1 Q2 जो है चार्ज है, ठीक है, Q1 Q2 क्या है, चार्ज है, जैसा मैंने बताया था कैपेसिटर चाहिए, कैपेसिटर क्या था, एक चार्जिंग डिवाइस था जो चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। तो ये मेरा ये जो दूसरा नियम है उसका ये वाला जो है फॉर्मूला है, फॉर्मूला मतलब इससे डराइव हुआ दूसरा वाला फॉर्मूला, इसके मुताबिक जो है कोई भी कैपेसिटर में क्या होता है, जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब क्या है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, एफ
स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर डी स्क्वायर लिखा हुआ है ना। तो ये जो है मेरा ये दोनों प्रोपोर्शनल, तो मैंने एक कंडीशन आपको बताया था याद होगा रेजिस्टेंस वाले में, जब ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है तो क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको छोड़कर जो काट के क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको लिख सकते हैं एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये क्यू वन एंड क्यू टू, तो वैसा रह जाएगा क्यू वन एंड क्यू टू और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा डी स्क्वायर हो जाएगा। आपको याद है वन बाई मैंने कंडीशन बताया था, ये क्या था f बढ़ाएंगे यहाँ पे तो d मतलब जो है डिस्टेंस को क्या होगा कमेगा, तो ये डिस्टेंस एक में कम रहा है, डिस्टेंस का स्क्वायर कम रहा है, तो आप समझ सकते हो दूसरा नियम क्या है। तो इससे क्या निकला, ये मेरा एक फॉर्मूला डिराइव हो गया है, दूसरा जो मेरा लॉ है वो यही कहता है, कितने बच्चों को ये नहीं पता है। तो आप सिंपल एक चीज जानेंगे, अगर ये दोनों आप फॉर्मूला निकाल लेते हो तो इसका फॉर्मूला जो ऑब्वियसली एकदम क्लियर हो जाएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन एंड क्यू टू। आप मैंने यहाँ पे क्यू वन क्यू टू क्यों लिया है, क्योंकि मैंने चार्ज में से लिखा है, आप कुछ भी ले सकते हो, ये कॉन्स्टेंट है, ये वाला कॉन्स्टेंट जरूरी नहीं कि मैंने क्यू वन क्यू टू लिया है, लेकिन जब चार्ज की बात होती है तो ज्यादा हम लोग क्यू वन और क्यू टू ही लेते हैं। तो ये आपको जो आपके स्क्रीन को जो लेफ्ट साइड वाला था पूरा पोर्शन वो क्लियर कर चुकी हूँ। अब आते हैं राइट पोर्शन की तरफ, तो यहाँ पे जो है कैपेसिटी, सबसे जो पॉइंट है कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है क्षमता। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे कितने लोगों की क्षमता जो होती है, अगर मैं एग्जांपल से बताऊँ तो किसी की कैपेसिटी होती है 10 केजी भार उठाने की, किसी की कैपेसिटी होती है 50 केजी उठाने की। तो यहाँ कैपेसिटी क्या दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है कैपेसिटी मतलब इतना कि कितना चार्ज वो स्टोर कर पाता है, कितना चार्ज वो स्टोर करता है। अच्छा चार्ज तो स्टोर करेगा लेकिन उसका यूनिट क्या होता है, जैसे मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल के जितने भी टर्म है, मशीन हो या फिर कोई भी छोटा छोटा टर्म हो, सब में क्या होता है, सब में एक यूनिट होता है। तो यूनिट मतलब क्या कि आप जिससे इंडिकेट कर पाओ वो चीज, तो इसका यूनिट होता है कंडेंसर का या कैपेसिटर का फराडे, क्या होता है फराड, फराड होता है, बोलते हैं बोलते लैंग्वेज में बोल सकते हो फराडे, ठीक है। तो फराड होता है पहला, यूनिट भी क्लियर हो गया, कैपेसिटी था कितना स्टोर कर सकता है, तो कितना स्टोर करेगा, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, इतना स्टोर करेगा। आप बोल सकते हो अब ये C इज इक्वल टू क्यू बाई वी क्या है, तो वन कूलम, यहाँ चार्ज मैंने लिखा है, चार्ज का लिखा है, क्यू को दिखाया है, या क्या बोलेंगे वन कूलम बाई वन वोल्ट इज इक्वल टू कैपेसिटी। अगर कंडेंसर का कैपेसिटी पूछता है, ठीक है, जो फराड में है, तो बोल सकते हैं कि क्या हो सकता है एक कूलम बाई एक वोल्ट, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वाला, तो मैंने बताया था कि इसका यूनिट क्या होता है फराड होता है, तो फराड जो है ना बहुत बड़ा लार्ज यूनिट है, तो हम कभी भी जब जनरल घर में यूज करते हैं ना कोई चीज तो हम लोग फराड में नहीं लेते। आप सिंपल से कैपेसिटर घर पे देखोगे ना, जब उलट कर देखोगे उसमें लिखा रहता है माइक्रो फराड का, वैल्यू कुछ भी हो सकता है 2.5 हो गया, 3 हो गया, 3.0 हो गया, ये क्यों है, ये जो पॉइंट पॉइंट वाला जो है ना कंडीशन वो है अच्छा आपका पावर फैक्टर देता है, मतलब क्या है जैसा आपका जितना अधिक, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, मतलब फैन के लिए सीलिंग फैन के लिए हम लोग ज़्यादातर 2.5 या 3 का, 3.0 का इस तरह का माइक्रो कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, माइक्रो फराड कैपेसिटर का। तो क्योंकि हमने बताया क्या बताया कि एक फराड इज इक्वल टू 10^6 माइक्रो फराड है, तो आप समझ सकते हो कि एक फराड कितना बड़ा यूनिट होगा, और यहाँ मैंने कितना यूज किया 2.5 माइक्रो फराड यूज कर रहा है, कर रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है 10^6 माइक्रो फराड, अगर आपको बोलना हो तो बोल सकते हैं एक फराड इज इक्वल टू इतना माइक्रो फराड, या फिर 10^-6 इज इक्वल टू 1 फराड, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब क्या है बोलने का तरीका है, आप किस तरह बोल सकते हैं। फिर है एक फराड इज इक्वल टू, ये क्या है पीको में है, पीको फराड क्या में है, क्या में है एक फराड इज इक्वल टू 10^12 पीको फराड, ये क्वेश्चन में आता है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है कि आपका माइक्रो फराड कितना होता है, एक फराड में माइक्रो फराड कितना होता है 10^6 माइक्रो फराड होता है, और एक फराड में पीको फराड कितना होता है, तो 10^12 पीको फराड होता है। आई होप आपको मेरा क्लास समझ में आ रहा हो, जितने भी बच्चे जो आज नए जुड़े हैं मेरे चैनल पे, तो मतलब मैं बोलना चाहती हूँ उनको कि अगर जिनका कुछ भी समझ में नहीं आता इलेक्ट्रिकल का, ज़रा भी नहीं समझ में आता है जिनको, वो मेरा क्लास जो है बेसिक से देख पाएंगे। बेसिक से देखने में क्या होगा प्रॉफिट आपको, कि हर एक चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप किया, जैसे मैंने ये बता दिया आज की पूरा का पूरा कैपेसिटर या फिर कंडेंसर क्या होता है, तो नेक्स्ट जो मेरा क्लास होगा वो होगा न्यूमेरिकल बेस्ड। मैं इसके साथ जो है इसके साथ 2 या 3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर करके आपको दिखाती जाऊंगी कि जो मैं बोल रही हूँ, और कॉम्बिनेशन भी बताऊंगी कि जैसे मैंने सीरीज वाले में बताया था आपको रेजिस्टेंस के, वैसे कैपेसिटर के टर्म में बताऊंगी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कैसा होता है और कैसे वर्क करता है। जब ये बताने के बाद जो है इसके साथ जो न्यूमेरिकल बताऊंगी साथ ही साथ, तो आपको पूरा क्लियर होता जाएगा मेरा सारा का सारा जो मैं
बोल रही हूँ वो, और आपका न्यूमेरिकल वो वाला। सो आज के लिए मेरा क्लास यहीं तक, थैंक यू।